उज्जैन के मक्सी रोड पर रामपुरा पहुंचे सांसद अनिल फिजोरिया ने देवाधिदेव महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उज्जैन के मक्सी रोड पर कायथा रामपुरा गांव में उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे और यहां पर भगवान शिव के चरणों में शीश नवाया। वहीं चल रही श्रीमद भागवत कथा में बैठकर कथा को सुना और फिर आरती की। सांसद अनिल फिरोजिया के साथ ही राष्ट्रीय हित समाज हित के काम करने वाले लोगों का सम्मान किया। इस कथा के मंच पर जहां सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान किया, फिर कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा मन आत्मा को शुद्ध करती है और भक्ति की ओर अग्रसर करती है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एकलिंग मंदिर ठिकाना रामपुरा कायथा में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव होता है और इस वर्ष भी 12वें वर्ष में हम लोग लगातार इस महोत्सव के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा और मार्तंड रुद्र महायज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। पंडित अर्जुन गौतम जी की श्रीमुख से कथा का यहाँ पर रसास्वादन हम सब लोग कर रहे हैं। साथ ही आज कथा का प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस में पूज्य चरण गीता ज्ञानेश्वर स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी भिक्षु महाराज तपोवन हरिद्वार का सानिध्य हम लोगों को मिला। हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी की उपस्थिति का लाभ भी हम सब धर्मप्रेमियों को मिला। कल से मार्तंड रुद्र महायज्ञ भी प्रारंभ होगा। जो पंडित मनोज शर्मा जो कि हमारे इस यज्ञ के आचार्य हैं, उनके आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ होगा। यह एकलिंग जी का जो स्थान है, ये मैं समझता हूँ कि उज्जैन ज़िले में बल्कि हमारे पूरे मालवांचल में धीरे धीरे प्रसिद्धि पा रहा है और उसका कारण यह है कि यहाँ जो निरंतर पूजन पाठ यज्ञ कथा इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं और सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही नहीं होते हैं, यहाँ पर हम लोग समसामयिक विषयों को लेकर जनजागरण का काम भी करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के कैंप्स भी करते हैं, साथ में सामाजिक समरसता और वैचारिक अनुष्ठान है जो हमारा मात्र संस्था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।